बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो है अबाउट द एसीजी, एसीजी और ईकेजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पी वेव। व्हाट इज द पी वेव? पी वेव रिप्रेजेंट द बोथ एट्रियल डीप्लूराइजेशन। पी वेव रिप्रेजेंट द बोथ एट्रियल डीप्लूराइजेशन। जब हार्ट के एट्रियल की डीप्लूराइजेशन होती है तो हमारे पास ईसीजी में पी वेव जो है वो आती है। पी वेव की नॉर्मल हम पढ़ेंगे एंड पी वेव की एबनॉर्मेलिटी आज हम डिटेल से पढ़ते हैं कि पी वेव में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो हार्ट के कौन से चेंबर में एबनॉर्मेलिटी होगी। तो फर्स्ट ऑल हम हार्ट को ड्रा करते हैं। दिस इज द चेंबर बोथ एट्रियल एंड दिस इज द बोथ वेंट्रिकल। दिस इज द राइट एट्रियल एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियल। दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियल में यहां पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड प्रेजेंट होता है और राइट एट्रियल के डाउनवर्ड एरिया में एवी नोड जो है ये प्रेजेंट होती है। एस ए नोड इंपल्स देता है एवी नोड को। एसी नोड इंपल्स दे एवी नोड को तो एट्रियल की डीप्लूराइजेशन होगी। जब डीप्लूराइजेशन होगी तो ईसीजी में हमारे पास पी वेव आ जाती है। पी वेव की नॉर्मल एम्पलीट्यूड है पी वेव की 0.25 मिलीवोल्ट। इसकी ड्यूरेशन जो है टाइमिंग कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं, वो हमारे पास है 0.12 सेकेंड। 0.12 सेकेंड मीन्स 3 स्मॉल स्क्वायर। 1 स्मॉल स्क्वायर का ड्यूरेशन 0.4 था, जब मल्टीप्लाई बाई 3 = 0.12 सेकेंड। यानी इसका ड्यूरेशन जो है अगर आप लोगों को याद होता है 0.12 सेकेंड, या अगर स्मॉल स्क्वायर में कोई पूछ ले तो 3 स्मॉल स्क्वायर्स। अब अगर इन केस एबनॉर्मेलिटी की तरफ आते हैं, किसी पेशेंट में टाल पी आई यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है ये नॉर्मल से इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी। किसी पेशेंट में पिक पी वेव, टाल पी वेव इंक्रीज एम्पलीट्यूड है तो पेशेंट के राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी है। वन नंबर सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी। द सेकेंड एबनॉर्मेलिटी, किसी पेशेंट में नोच पी वेव आ रहा है,
जिसमें नोच है एम शेप की, पी वेव आ रहा है, तो इस पेशेंट की लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी। पीक पी वेव आ रहा है यानी टाल पी वेव है, तो पेशेंट के राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी है। एम शेप है, एम शेप की पी वेव है, तो पेशेंट के लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी है। नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पी वेव है। इन्वर्टेड पी वेव है किसी पेशेंट में तो उस पेशेंट की क्या एबनॉर्मेलिटी होगी? एक्टोपिक, एक्टोपिक, एक्टोपिक डिजीज जो है, एक्टोपिक डिजीज, ये कौन सी डिजीज है? नॉर्मली ऐसे नोड जो है ये इंपल्स देता है और एवी नोड इसे परसीव करता है नॉर्मली। अब एबनॉर्मेलिटी में, एक्टोपिक डिजीज में, कहीं और से, किसी और एरिया से इंपल्स आ रहा है एवी नोड को, ऐसी नोड की जगह कहीं और से इंपल्स आ रहा है एवी नोड को, तो उस वक्त पेशेंट में इन्वर्टेड पी वेव होगी। फोर्थ नंबर, नंबर फोर, किसी पेशेंट में पी वेव स्किप है, एब्सेंट है, पी वेव है नहीं, बिगिनिंग द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव नॉट प्रेजेंट, आर या स्मॉल पी आर आई, वेरी स्मॉल, तो पेशेंट के एबनॉर्मेलिटी जो है वो एट्रियल फाइब्रिलेशन है। एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या होता है? एट्रियल फाइब्रिलेशन मींस के एवी नोड को, एवी नोड को कहीं और से, यही बात है एक्टोपिक डिजीज की, कहीं और से इंपल्स आ रहे हैं और वो फाइब्रिलेशन कर लेता है लाइक दिस। तो पी वेव जो है या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी या स्मॉल पी आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरवल, पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल एंड एस टी सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री हॉट ब्लॉक पढ़ेंगे एंड थर्ड डिग्री हॉट ब्लॉक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए।